दड़ाऊ क्षेत्र के जानानियों की बस्ती का रहने वाला गोविंदराम पिछले 2.5 साल से अपने रिश्तेदार दूधाराम के यहाँ एल्यूमिनियम फिटिंग का काम करता था और कल उसके परिवार वालों को ये सूचना मिली कि उसने जो है गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद परिवार वाले जो है मौके पर पहुंचे, वहीं रीको पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतरवाया और बाड़मेर स्थित राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। तो पूरा मामला बता दूं कि गोविंदराम पुत्र सत्यनारायण धनाऊ जानानियों की बस्ती का रहने वाला है, जो पिछले 2.5 साल से बाड़मेर शहर में अपने किसी रिश्तेदार दूधाराम के यहाँ एल्यूमिनियम फिटिंग का काम करता था और बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। लेकिन कल उसके परिवार वालों को ये सूचना दी गई कि उसने जो है गले में रस्सी डालकर जो है फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे तो परिवार वालों ने देखा कि उसका गला जो है वो रस्सी से बंधा हुआ था, लेकिन उसके पैर जो थे वो जमीन पर धंस थे। उसके बाद परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में जो है मामला दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने जो है मृग दर्ज कर दी। उसके बाद सुबह से ही उसके परिवार वाले जो है वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि पुलिस को उन्होंने नामजद जो है रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने जो है वहाँ पर मृग दर्ज कर दी। जब तक पुलिस जो है हत्या का मामला दर्ज नहीं करवाएगी तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, न ही हम शव उठाएंगे। और इसके बाद पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है। बता दूं कि उन्होंने एक जने के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज करवाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट दी थी और पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है और अब शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और वहीं शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को जो है परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो अब उसके परिवार वालों का क्या कहना है ये आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम छगन लाल है और मेरे चचेर भाई की मतलब हत्या करके लटका दिया, उसकी ये सब घटना है। क्या नाम है, कहाँ पर लटकाया, कहाँ रहता था, क्या था? गोविंद नाम है और ये बाढ़ में रीको में हमारे मतलब लकड़ी का काम करता, मतलब ये एल्यूमिनियम का काम करता था, उनके साथ में काम करता था। तो वो अभी आज हमको कल फ़ोन किया भाई यहाँ पे आपके भाई ने मतलब उसमें फांसी खा ली है। तो हमने आके देखा तो वहाँ पे पांव जमीन पे पूरे टिके हुए थे और वहाँ देखा तो हमको पता चला कि भाई ये तो हत्या का मामला है, इसको क्योंकि या तो किसी ने मार कर लटकाया या कोई टॉर्चर किया है, ऐसा कुछ है। तो हमने पुलिस को ये दी, कॉपी दी, तो उन्होंने हत्या का मामला कोई दर्ज नहीं किया है। 174 मर्द दर्ज करके कि भाई जांच कर देंगे, अगर हत्या का आएगा तो सामने देख लेंगे। तो हमने नाम जद उनको दिया है। तो खिलाफ दिया मामला आपने, कौन है वो? ये दूधाराम नाम करके, उनके साथ में वो काम करता था और उनके खिलाफ हम दूधाराम डालूराम। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है बस वो जो हमारा जो भी है खुलासा हो, ये आदमी उसके पास में काम करता था, किस कारण से खत्म हुआ है, क्यों हुआ है, तो वो सब, वो आदमी चला गया तो इसको पता, दूधाराम को पता है क्यों आदमी क्या खत्म हुआ है, कैसे हुआ है।